नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। लेकिन कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानने से पहले आपको बता दूं कि कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कई राज्यों में इसको लेकर एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन की भी पूरी पूरी संभावना बनती नज़र आ रही है कि अब आगे जो सरकारें हैं जो पहले से अलर्ट हो चुकी हैं हर एक राज्य की, अब वो कहीं ना कहीं कभी भी कुछ भी फैसला ले सकती हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। और जब भी हम देखते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति पैदा होती है तो ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो ज़रूरी सेवाएं सिर्फ वही चलती हैं। लेकिन इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि या तो दुकानें बहुत कम खुलती हैं, सीमित समय के लिए खुलती हैं, या फिर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको भी यही चिंता सता रही है कि लॉकडाउन के दौरान कहीं आपका कारोबार ठप ना हो जाए, बंद ना हो जाए, तो ऐसे में अब आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS, माई बिग ब्लिस। माई बिग ब्लिस ऐप आपके कारोबार को लॉकडाउन के दौरान सिर्फ बचाएगी नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी। लॉकडाउन में भी सेल आपकी वैसे ही रहेगी जैसे लॉकडाउन से पहले ही थी। माई बिग ब्लिस ऐप आपकी सेल सुनिश्चित करती है। करना छोटा सा ये काम होगा, फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर अपनी दुकान रजिस्टर करनी है। जैसे ही आप दुकान रजिस्टर कर लेंगे आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। माई बिग ब्लिस ऐप आपको मुफ्त में अपनी सेल बढ़ाने का मौका दे रही है। और ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई कारोबारी ही हो तभी आप इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, एम्प्लॉई हैं, या फिर कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, कुछ भी अपना सामान बेचना चाह रहे हैं, तो भी आप इस ऐप के ज़रिए बेच सकते हैं। ये ऐप आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कम्युनिटी बाज़ार के अपडेट की। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि आज सोना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1,805 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 1% की गिरावट है। सिल्वर में देख रहे हैं कि $22.6 पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है 2.25% की गिरावट के साथ। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। दरअसल ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है और दूसरा कल को हमने देखा था कि गोल्ड सिल्वर की जो कीमतें हैं निचले स्तरों से ऊपर की ओर जाते हुए नज़र आई थी। अब ओमिक्रॉन की केसेस जैसे जैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं विदेशों के अंदर, देश के अंदर, वैसे ही हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो कहीं ना कहीं इनिशिएट होती नज़र आ रही है। लेकिन अब जैसे आगे जो केसेस है वो बढ़ेंगे ही, ऐसे में आगे जाके जो सेफ हेवन डिमांड है वो कहीं ना कहीं और बढ़ती नज़र आ सकती है। हालांकि जो डॉलर होगा और US ट्रेजरी यील्ड्स होंगी, इक्विटी मार्केट की चाल कैसी रहती है, ये सब भी चीज़ें काफ़ी मैटर करेंगी। क्योंकि अब जो सरकारें हैं और जो लोग हैं कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं, वो एहतियात भी बरतते हैं। और अब ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादातर चलती ही रहेंगी, पूर्ण तरह से लॉकडाउन नहीं होगा। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स का बाजार कैसा रह सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे MCV पर। शुक्रिया रूपा जी। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड सिल्वर की, तो देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली बनती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है सोने में अब जो सेफ हेवन डिमांड है क्या वो यहाँ से इनिशिएट होती नज़र आ सकती है? देखिए अभी बाजार जो है काफी सीमित दायरे में है और आज हल्की करेक्शन जरूर दिखा रहा है। सोना भी ऊपरी स्तर से फिसला हुआ है, चांदी में भी गिरावट है और इसके साथ कच्चा तेल भी आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज सभी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, ऊपरी स्तरों से बाजार फिसले हैं और डॉलर के अंदर डॉलर जो है अपने 5 सालों के येन के मुकाबले में हाई पर पहुंच चुका है और अभी जो प्राइजेस के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं इसको देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए $1,800 के ऊपर अभी भी मार्केट सस्टेन है और रेंज अभी भी वही बनी हुई है $1,780 से लेकर $1,820 की। तो 1820 के ऊपर भी ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, लेकिन 1800 के ऊपर सस्टेन है और आज लगता है कि हो सकता है $1,800 का लेवल भी ब्रेक कर दे। शॉर्ट टर्म आज इंट्राडे में बिकवाली हावी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में अगेन गोल्ड बुलिश है और निचले स्तरों पर खरीदारी ही बनती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है कि इसमें बाइंग में रहना चाहिए। जी जी सर जी। ये सर रूपा जी, दर्शक जीड़ो में हमारे साथ रोहित खत्री जी, जिनका सवाल सिल्वर को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि सिल्वर नीचे में कहां तक जा सकती है? देखिए सिल्वर की बात करें तो अखिलेश सिल्वर के अंदर भी अभी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है और सिल्वर नीचे में 60,800 तक जा सकती है। रूपा जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं।
हम कच्चे तेल की बात कर रहे थे, तो हम ये सवाल पूछ रहे थे रूपा जी से कि कच्चे तेल में ओपेक उसके सहयोगी देशों ने जैसा फैसला लिया है प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो उसका असर आगे जाके सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक? क्योंकि अब जो खबरें हैं वो ऐसी निकल के सामने आ रही हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि जो बिजनेस है वो आगे जाके कोरोना काल में भी जैसे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ भी रहे हैं तो बिजनेस रनिंग ऑर्डर में एज इट इज़ चलते रहेंगे, गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। क्योंकि साल 2022 में जब संपूर्ण लॉकडाउन हुआ था, हमने पूरे विश्व भारत के साथ साथ वैश्विक लॉकडाउन देखा था, तो तब हमने देखा था कि जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी, काफ़ी ज़्यादा गिरती नज़र आई थी, जिसका असर हर एक उद्योग, हर एक सेक्टर, हर एक आम इंसान पर पड़ता नज़र आया था। और उसी की वजह से अब ओमिक्रॉन के दौरान भी, कोरोना काल के दौरान भी, अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो बिज़नेस की गतिविधियां हैं वो चलती रहेंगी, भले ही थोड़ी कम क्षमता के साथ कारोबार चलें, थोड़े ही कम क्षमता के साथ चलें कारोबार, चाहे ज़्यादा गतिविधियां ना देखने को मिले, लेकिन बिज़नेस ज़रूर चलेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी एज इट इज़ चलती रहेगी। तो इसलिए कच्चे तेल की जो डिमांड है वो भी आगे बनी रहेगी। थोड़ा बहुत उठापटक जरूर देखने को मिलेगा लॉकडाउन के दौरान, लेकिन कच्चे तेल की जो डिमांड है वो एज इट इज़ बनी रहेगी। बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स का बाजार भी देख रहे हैं कि आज टूटता नज़र आया है। MCX जिंक है 290 पर, MCX निकल 556 पर, आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट। MCX लैग्ड 187 पर और कॉपर $4.3 पर। देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का बाजार आज कहीं ना कहीं टूटता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि बेस मेटल्स में ओवरऑल तेजी का ही रुझान है, क्योंकि भारत में भी आने वाले समय में अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो ट्रेंड है वो फॉलो होता नज़र आएगा, जिसकी वजह से बेस मेटल्स की जो खपत है वो बढ़ सकती है। और जो चाइना है सबसे बड़ा बेस मेटल्स में काम करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला, वहाँ भी जो बेस मेटल्स की जो ट्रेंड है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिलता रहेगा। तो बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहेगा रूपा जी से जानते हैं। रूपा जी, बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज लाल निशान के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में क्या आज बिकवाली करके चलना सही रहेगा? देखिए, आज इंट्राडे में सभी कमोडिटीज के ऊपर दबाव है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है बिकवाली की, जो है गिरावट जो है वो गिराती हुई दिखाई दे सकती है। कॉपर में देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, निकल भी पॉजिटिव है, अभी 740 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में हो सकता है आपको नीचे में 732 तक जाता हुआ दिखाई दे। वहीं निकल की बात करें तो निकल 1540 तक है, तो बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, छुटमुट गिरावट बन सकती है, वहां से वापिस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बिकवाली की जा सकती है जी। रूपा जी, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप नॉन एग्री कमोडिटीज में आज के लिए? देखिए, आज नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज सभी जगह गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बारी क्रूड जो है वो भी फिसल सकता है, तो यहाँ पर 5680 के लिए क्रूड में बिकवाली करके आज इंट्राडे में चला जा सकता है जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।